नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रतिया के प्राचीन शिवालय मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अटूट लंगर भी लगाया गया और 100 के करीब कावड़ चढ़ाई गई। मंदिर कमेटी के प्रधान सोम गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, भवन का निर्माण भी कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि शहरवासियों का काफी सहयोग रहा है और आगे भी शहरवासी ऐसे ही सहयोग करते रहे, मंदिर को भव्य बनाया जाएगा, आगे भी निर्माण कार्य चलता रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्राचीन शिवालय मंदिर की बहुत मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं और अपने मन की इच्छा मांगते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण भी होती है। आज भी दूर दूर से शिव भक्त आए और माथा टेका। कांवड़ियों के लिए विशेष लंगर की व्यवस्था की गई, हवन यज्ञ कर अटूट लंगर लगाया गया। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। प्रधान जी, पहले तो शिवरात्रि की बहुत सारी बधाई आपको। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें 2 साल पहले की, आपने 2 साल पहले यहाँ का प्रधान का कार्यभार संभाला था। 2 साल पहले मंदिर की जो बाहर का स्थान है कच्चा था, भवन का निर्माण नहीं था। अब मंदिर में काफी सुंदरता भी काफी बढ़ा दी गई है, भवन का निर्माण भी हो गया है। सभी के सहयोग से, रतिया के सभी भक्तों के सहयोग से बहुत बढ़िया अब शिवालय का निर्माण चल रहा है। कुछ पूरा हो गया है, कुछ अभी भी कमियां हैं और मैं सबसे रतिया के सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि आगे ऐसे ही सहयोग करते रहे ताकि इसको और सुंदर बनाया जा सके। आगे का आपका क्या निर्णय है, कमेटी का क्या निर्णय है मंदिर के लिए, आगे क्या किया जाएगा? अभी हमारी जो मूर्तियां हैं खंडित हैं, ये सारी मूर्तियां नहीं आएंगी और उसका नवीन निर्माण किया जाएगा। जैसे कि हर शिवरात्रि पे यहाँ पे भव्य कार्यक्रम किया जाता है, तो आगे इससे भी भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेंगे आगे इसी तरह, जहाँ पर आज शिवरात्रि में पूजा होती है, हवन होता है और कांवड़ियों के लिए भोजन और सुबह सभी के लिए लंगर लगाया जाता है। आज कितनी कांवड़ चढ़ी होगी लगभग, बात करें तो लगभग 80-90 के लिए। और जैसे कि शिवरात्रि पे पहले जो बड़ी शिवरात्रि हो तब कितनी चढ़ती है लगभग, बात करें तो लगभग 300-350। तो अब आप शहरवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? यही कि जिस तरह पहले भी आपने बहुत साथ दिया है, आगे भी इसी तरह साथ देना है। कमेटी द्वारा, आपकी कमेटी द्वारा समय समय पर अहम बैठकें ली करी जाती है, तो अब आपकी कमेटी ने क्या फैसला लिया है मंदिर के निर्माण के लिए आगे के? सबसे पहले मैं सभी रतिया वासियों को और शहरवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, जो कि हमारा ये श्री प्राचीन शिवालय है जो कि पुराना बाजार रतिया में स्थित है, जो कि नदी के किनारे है, 500 साल पुराना है। इसमें भक्त बहुत ही दूर दूर से आकर अपने महाशिवरात्रि पर माथा टेकते हैं और मनोकामना मांगते हैं, जिससे भक्तों की बहुत ही मनोकामना पूरी भी हुई है। इस दिन हम कांवड़ लेके आते हैं, आज के दिन 80-90 करीब कांवड़ लेके आए हैं। उसके अगले दिन सुबह हवन होता है, उसके बाद बाबा की कृपा से अटूट लंगर बरताया जाता है और भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करता है। और मैं शहरवासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस मंदिर में सबसे ज्यादा आकर मंदिर की शोभा बढ़ाए, जैसे सभी शहरवासियों ने हमारा साथ दिया है, आगे भी साथ दे, जिससे मंदिर को आगे ले जाया जाए। कमेटी ने आगे कोई निर्माण के लिए कोई फैसला लिया है आगे के निर्माण? आज हमारे प्रधान श्री सोमनाथ जी गर्ग की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे दुर्गादास जी गोयल और कलाधारी शर्मा जी, नीति एमसी जी और बट्टी सिंगला जी और हमारे कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें हमारी कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जो भी मंदिर के पेंडिंग निर्माण कार्य में कोई पड़ा है उसको आगे बनाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। और हमारे एक हाल बना है, जिसके प्रधान ने हाल बनाया है, उसमें पत्थर का काम पेंडिंग है, शीशे का काम पेंडिंग है। इस मीटिंग में उस हाल को पूरा करने का निर्णय लिया गया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।